वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 37 साल हो गए, एक बार फिर कांग्रेस की हाईकमान ने 1900 नवंबर के महीने तो जिदन 1 तरीक तो लैके 3 तरीक तक सिखा का दिल्ली में कतलेआम होया। सिखा के गलों च टायर पाए गए, सिखा ने भैं धियां की बेपत की गई, घर बार साड़े गए, लुटिया गया, कुटिया गया, तबाह करता गया। 15,000 के करीब सिखा नूं शहीद किया गया। 37 साल बाद फिर जगदीश टैटर नूं अज कांग्रेस की हाईकमांड अपनी कमेटियां विच वधिया उहदे दे रहे हैं कि सिखा नूं याद दवाना चाहते हैं कि सिखो याद रखो कि इस धरती ते तुहाडा कतलेआम किया सी। 1984 जो कतलेआम होया उहनूं सिख कदी भुल नहीं सकते। पर फिर अज जगदीश टैटर नूं इन्हां ने उहदा नवाज के सिखां दे जख्मां ते लून छिड़किया। 1 तरीक नूं तिलक विहार अखंड पाठ रखे जाते हैं, 3 तरीक भोग पैंदे आ। असी मंजर 1984 का अपनिया अखां नाल देखिया किस तरीके नाल लोगों नूं साड़िया गया। और बड़े मगरमाश वह चाहे सज्जन कुमार सी, चाहे जगदीश टैटर सी, चाहे भगत सी, धर्मदास शास्त्री सी, इन्हां लोगों ने दावे भी किए कि असी सिखां नूं मारिया गया। और सब तो वड्डी गल है कि नानावती कमीशन ने साबित करता कि ये जगदीश टैटर वर्गे ते भगत वर्गे ते सज्जन कुमार वर्गे सिखां दे कतलेआम दे जिम्मेवार है। और एक सीडी विच मनजीत सिंह जी के होना ने यह साबित किया सी कि सज्जन कुमार जगदीश टैटर ये दावा कर रहा है कि दिल्ली दियां सड़कां ते जदों कतलेआम किया तो 100 सिखां दा कतल मैं किया। और उस तो बाद दिल्ली दियां सड़कां ते मैं राजीव गांधी नूं सिखां दा कतलेआम होया दिखाया गया, किवें सिखां दियां लाशां पईआं। सिखां ने हमेशा इस इन्हां लोगों की विरोधता की है, पर बार बार कांग्रेस ने इन्हां नूं अहुदा नवाजा कि ये बार बार सिखां नूं दिखांदे आ। अज जिहड़े पंजाब दे कांग्रसी लीडर पंथक हुण दावा करदे आ, अज कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आ ना, अज सुखविंदर रंधावा वर्गे ते चरणजीत सिंह चन्नी वर्गे जिहड़े अपने आप नूं पंथक वांदे और पंथक मसले ते पहरा देण दी गल करदे आ, उहनां नूं अज सप्प सौंघिआ। उह क्यों नहीं इस दे खिलाफ़ आवाज चकदे? हुण तां इह चाहीदा सी कि जगदीश टैटर वर्गे इन्हां पार्टी तों बाहर जांदे, पर इन्हां ने फिर कितना कितने उहनूं उहदे तों बिठा के अस्थाई कमेटी का मैंबर बना के सिखां दे जख्मां ते लून छिड़किया। मैं भारत दीआं इंसाफ पसंद संस्थावां नूं ते राजनीतिक पार्टियां नूं अपील करांगा कि यह सिखां दा कतलेआम होया उन्हां जिन्हां सिखां ने भारत नूं आज़ाद कराउण वास्ते 85% कुर्बानियां कीतियां सी। और जे किसे कौम ने आज़ादी का निघ मानण दा मौका दिता भारत वासियां तो वह सिख सी। अज सिखां नूं बार बार तुसीं टारगेट कर रहे हो, इस करके ये बहुत मंदभागी गल है। सानू सारिआं नूं इसके खिलाफ आवाज़ चकनी चाहिए है। जिहड़ियां भी इंसाफ पसंद असीं उम्मीद रखते हैं पार्टियां जां संस्थावां उह सिखां दे हक च नितरन, जिवें सज्जन कुमार वर्गे मगरमच्छ अज जेलां दीआं सलाखां विच बैठे आ, एवें ही इह जगदीश टैटर वर्गे भी जेलां दीआं सलाखां पिछे होणे चाहीदे आ। मैं चेतावनी देना चाहुंदा कि यह जद तकर यह जगदीश टैटर वर्गे 84 के कातल है
दिल्ली दिया सड़कों पर घूमते हैं, भारतीय सड़कों पर घूमते, तद तक असं कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे, सड़कों पर पहले भी लड़ाई लड़ी है हूँ भी लड़ांगे, और जब तक इन अंदर नहीं किया तद तक असी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और 1 नवंबर आ रहा है, 1 नवंबर याद भी करा 1984 और जोड़े दोषी है उन्होंने चेहरे भी नंगे करा। एक बार फिर मैं कांग्रसियों और कांग्रेस की हाईकमान चेतावनी भी दिना कि ये जिनी जल्दी हो सके जगदीप टैटर इन्हों उदा तो हटाया जाए ताकि जोड़ा जख्म तुम सिखा दिता उत्ते कितना कितने मरम लाई जा सके। मैं चाहे वो श्री अकाल तख्त साहब है, चाहे अकाली दल है, जा आम पार्टी है, जा होर जथेबंदियां, उन्होंने भी कहना चाहना कि ईमानदारी आवाज चको, चोर मरी च इन्हां नाल सांझ पा के इन्हों को किनारा करो, और आने वाले समय में जिहड़े ये मगरमच्छ है ये अंदर हो सकन। और अज मैं बड़ा हैरान है, 2.5 साल तो बैठे है सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा होनी एक बार आवाज नहीं चकी, अज ये पंजाब च इलैक्शन है और टीवी ते बोल रहा अपने ट्वीट कर रहा कि सज्जन जगदीश टैटर तुसी क्यों बनाया। मैं सिरसा साहब तुहानू हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसी ये जो आवाज़ चक्की होंगी 2.5 साल तो फिर ये जगदीश टैटर अंदर होंदा, तुसी कितना कितने अंदर गाटियां जिहड़ियां फिट कीतियां उसनू गाटियां नू हटाओ, और हटा के ये जगदीश टैटर वर्गे कातलों असी सजा दवा सकी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।